जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मेष से लेकर मीन राशि के जातकों की साल 2025 में कब और किस से विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। यह जानकारी आपको राशि फल के अनुसार से दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको विवाह सगाई और शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेष राशि से लेकर जो है मीन राशि तक के जातकों के बारे में बता देता हूं। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो है उनके राशि स्वामी जो है वो हनुमान जी हैं। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं उनका नाम अक्षर ए और एल और ई से होता है, यानी कि अ ल और ई से इनका नाम अक्षर होता है। इनके राशि स्वामी मंगल देव हैं और आराध्य हनुमान जी हैं। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर भाग्यशाली अंक की बात करें तो एक और आठ है, भाग्यशाली रंग की बात करें तो लाल है, और शुभ रत्न की बात करें तो आप मुंगा रत्न धारण कर सकते। तो मेष राशि के जातक के साल 2025 में किन महीनों में विवाह के योग है उसकी जानकारी देता हूँ। तो महीना जो है फरवरी का है और जून का है, इसके अलावा नवंबर और दिसंबर का महीना है। यानी मेष राशि के लिए जो है साल 2025 में चार महीने में परिणय सूत्र में बनने के योग हैं। अगर बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने के योग हैं। अगर आप दिशा की भी जानकारी ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको बता दें दक्षिण और पूर्व का दिशा आपके लिए उत्तम है। इन दोनों दिशाओं में ही परिणय सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर जो होता है यू, वी और वाई से होता है। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर जैसे मैंने आपको बताया बी, यू और वी नाम के जातक होते हैं वृषभ राशि के जातक। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं, आराध्य जो हैं माँ दुर्गा हैं, भाग्यशाली अंक आपका सफेद है और भाग्यशाली अंक दो और सात है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो हीरा रत्न धारण करना सकते हैं। बात करें दिशा की तो दक्षिण और पश्चिम दिशा आपके लिए शुभकर है। इन दोनों दिशाओं में अगर आप विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं या उन दिशाओं से विवाह प्रस्ताव आता है तो आपके रिश्ते तय होने की संभावना अधिक रहती है। अगर आप अपने कुंडली में शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सफेद चीजों का दान करें। हर सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन और सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है सफेद रंग के वस्त्र धारण करें अगर आप वृषभ राशि के जातक। बात करें महीने की तो जनवरी के महीने में ही वर्ष 2025 के प्रथम माह यानी कि जनवरी में ही विवाह के योग है। कुल मिलाकर के जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य जो है वृषभ राशि के जातक परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगर बात करें नाम अक्षर की तो एच नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं। मकर राशि से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। विवाह की कुंडली बनाने से आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात हो जाती है। इसमें आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, पार्टनर सरकारी नौकरी वाला होगा, निजी कंपनी में कार्यरत होगा या कारोबारी होगा, यह सभी जानकारी मिल जाएगी इसमें। इसके अलावा महादशा दशा, कितने संतान होंगी, सास ससुर के साथ स्वभाव कैसा रहे, घर द्वार कैसा रहेगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण कर या बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, यह जानकारी ज्ञात करना चाहते हैं उनका चरित्र स्वभाव कैसा रहेगा, उनका जीवन कैसा रहेगा, उनका भविष्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में वह कार्यरत होगा, कारोबारी होगा, किस क्षेत्र में उनके लिए जाना श्रेष्ठ कर होगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी आप ज्ञात कर सकते हैं। यह सभी जानकारी आप 8521835670 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते। अगली जो राशि है वो मिथुन
मिथुन राशि के जातक, इनका नाम अक्षर जो है के से होता है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके राशि स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुद्धदेव हैं। आराध्य जो है आपके भगवान गणेश जी हैं। भाग्यशाली रंग आपका पीला है। भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। अगर राशि शुभरत्न की बात करें तो पन्ना है, पन्ना आप धारण कर सकते हैं। बात करें विवाह वर्ष की, तो अगर 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य मिथुन राशि के जातक हैं आप, तो साल 2025 में जो है फरवरी का महीना, मई का महीना और जून का महीना विवाह के लिए शुभ है। और बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, बी नाम के जातक, आर नाम के जातक, वी नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने की योग है। तो मिथुन राशि के जातक के इस प्रकार से योग है। अगली जो राशि है वो कर्क राशि। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, आपकी आयु 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य है, तो आपके साल 2025 में विवाह के योग है। बात करें अगर महीने की, तो मार्च, अप्रैल, नवंबर और दिसंबर का महीना शुभ है। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एल नाम के जातक और एम नाम के जातक से आपके परिणय सूत्र में बंधने की योग है। मेष राशि के जातक से विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठ कर होगा। विवाह मेष राशि से करना श्रेष्ठ कर होगा। अगली जो राशि है वो सिंह राशि है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, आपकी आयु 26 से लेकर 31 वर्ष के मध्य है, तो साल 2025 में जुलाई का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना शुभ है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, तो साल 2025 में जो है जुलाई, नवंबर, दिसंबर के महीने में आपके परिणय सूत्र में बंधने की योग है। बात करें नाम अक्षर की, तो एम नाम के जातक, के नाम के जातक, एस नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। मिथुन राशि से विवाह करना सिंह राशि के जातक के लिए श्रेष्ठ कर होता है। अगली जो राशि है वो कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और आपकी आयु 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य है, साल 2025 में मार्च से लेकर जुलाई के मध्य जो है, क्योंकि साल 2025 में जुलाई के मंथ में जो है विवाह के योग नहीं है, तो मार्च से लेकर जून तक जो है आपके विवाह के योग है। और बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, डी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। मकर राशि से विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं, आयु आपकी 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है, तो साल 2025 में जनवरी के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में विवाह के 100% योग है। इस दौरान शुक्र का गोचर होता है, तो शुक्र के गोचर से आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। बात करें दिशा की, तो दक्षिण दिशा आपके लिए अनुकूल है। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने की प्रबल योग है। सिंह राशि से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा, अगर आप तुला राशि के जातक हैं। वृश्चिक राशि के जातक के लिए ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर भी योग है। और अगर आप जन्मदिन से देखना चाह रहे, 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके लिए विवाह के 100% योग है। बात करें महीने की, तो जून से लेकर दिसंबर तक जो है आपके विवाह के योग बन रहे हैं। जून के महीने में भी, नवंबर के महीने में भी और दिसंबर के महीने में भी 100% योग है साल 2025 में। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, आर नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। बात करें अगली राशि धनु राशि की। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है, साल 2025 में फरवरी का महीना, मार्च का महीना, नवंबर और दिसंबर का महीना बेहद शुभ है विवाह के लिए। इन चार महीनों में आपकी परिणय सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक आपके लिए भी शुभ है, जी नाम के जातक आपके लिए भी शुभ है। मेष राशि से विवाह करना मीन राशि के जातकों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ होता है। अगली जो राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को साल 2025 में 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। तो जनवरी जब शनि जो है मार्गी होंगे, तो उसी समय से और फिर जनवरी के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में इनके विवाह के 100% योग है। यानी अब मार्च के पश्चात जो है अप्रैल, मई और जून के महीने में इनके विवाह के 100% योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, तो एच नाम के जातक, वाई नाम के जातक इस लिस्ट में शामिल है। इन नामों से इनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर बात करें राशि की, तो कुंभ और मीन राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। बात करें कुंभ राशि के जातक के, तो कुंभ राशि के जातक 7.5 का अंतिम चरण 29 मार्च से चलेगा। तो 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव की विशेष कृपा जातक पर बरसती है, तो आप पर जो है शनिदेव की कृपा बरसेंगी। और मार्च के पश्चात जो है मई का महीना बेहद शुभ है। अक्टूबर के महीने में भी कई जातकों के विवाह के योग है। ऐसे जातक जो पंजाब
क्षेत्र से हैं उनके लिए अक्टूबर के महीने या नवरात्रि में है, और फिर नवंबर और दिसंबर के विवाह में है योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक इस लिस्ट में शामिल हैं, और मिथुन राशि से विवाह करना कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्यादा उत्तम होता है। अगली और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए जो है शुभ योग 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य होता है। और बात करें महीने की तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मई का महीना आपके लिए बेहद शुभ है। 2025 में इन महीनों में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं और आपकी शादी भी हो सकती है। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों से मीन राशि के जातकों का विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। अब राशि अनुसार से आपको क्या करना है, तो अगर आप मेष राशि के जातक है तो हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर जो है हनुमान जी की पूजा उपासना करें, साथ ही आप जो है शिव जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। वृषभ राशि के जातक जो है वो भगवान शिव की जो है पूजा करें, हर सोमवार शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण कर भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना करें और सफेद चीजों का दान करें। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो फिर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अर्पित करें, आप चाहे तो मालपुए भी अर्पित कर सकते हैं, इससे जो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं उनकी कृपा जातक पर अवश्य बरसती है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो स्नान ध्यान करने के पश्चात रोजाना जल में काले तिल मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आपके पास दूध की उपलब्धता है तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे भी आपको अवश्य फल प्राप्त होगा। अगर बात करें सिंह राशि के जातक को, सिंह राशि जातक जल में हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को जल का अर्घ दे रोजाना, और इलायची में जल में इलायची मिलाकर जो स्नान करें तो इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो बुधवार के दिन जो है भगवान गणेश की पूजा उपासना आराधना करें, हरे रंग के वस्त्र धारण कर जो भगवान शिव जी और भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है तो आप उन्हें मोदक अभी अवश्य ही अर्पित करें। तुला राशि के जातक जो है शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करें और निकटतम मंदिर जाकर जो है आप श्रृंगार की चीजें उन्हें अर्पित अवश्य करें। धनु राशि के जातक जो है गुरुवार के दिन जो है लक्ष्मी नारायण जी की, अगर मकर राशि कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो दोनों के राशि स्वामी शनिदेव हैं, आप शनिदेव की पूजा उपासना आराधना करें, शिव जी की पूजा करने से भी आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातक जो है पीले वस्त्र धारण कर स्नान ध्यान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना करें, उन्हें जो है दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आप सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दी। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय।